देश में कोरोना के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों द्वारा इससे निजात पाने के लिए तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। कोई गौमूत्र से कोरोना वायरस का इलाज करने की बात कर रहा है, तो कहीं धूप से कोरोना खत्म होने की बात सुनने में आ रही है। कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज ने कोरोना वायरस से बचने के लिए गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया। वहीं अब बीजेपी स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे धूप लेने से कोरोना को दूर करने की बात कर रहे हैं। अश्विनी चौबे ने कहा कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक धूप लेने से सभी संक्रमण दूर हो जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा, मैं सभी से अपील करूंगा कि सुबह 11 बजे से 2 बजे तक धूप लें, इससे सभी प्रकार के संक्रमण दूर जाते हैं और शरीर भी स्वस्थ रहता है। चौबे ने कहा, अभी तक 150 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग अब स्वस्थ भी होने की कगार पर आ गए हैं। हमारे पास अभी 10 लाख टेस्ट किट है, हम प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब को अभी तैयार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना से जुड़े मामलों में वृद्धि होती जा रही है। हालांकि अश्विनी चौबे 150 लोगों के संक्रमण होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब यह 160 से अधिक होने की बात कही जा रही है। आज गुरुवार की ही बात करें तो आंध्र प्रदेश में 2 और चंडीगढ़ में 1 नया मामला सामने आया। लंदन से कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश लौटे एक व्यक्ति की गुरुवार को कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आंध्र में कोरोना वायरस का यह दूसरा मामला है। संक्रमित व्यक्ति 15 मार्च को लंदन से वापस लौटा था। बाद में कोविड-19 संक्रमण के संदिग्ध लक्षण सामने आने के बाद उसे ओंगोल शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां एक तरफ कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री द्वारा बिना तथ्यों और आधार के बयानबाजी की जा रही है, जो कि उचित नहीं है। कुछ इसी तरह एक दिन पहले गौमूत्र से कोरोना से निजात मिलने की खबर को सुनते हुए एक शख्स ने इसका सेवन कर लिया। युवक ने बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा बंगाल में आयोजित गौमूत्र पार्टी में इसका सेवन किया था, जिसके बाद वह बीमार हो गया। बीमार होने के बाद युवक ने बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत की और बीजेपी कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।